स्टूडेंट्स, लास्ट टू लेक्चर्स में अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था अकाउंट्स का। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन। उसके अंदर अपने क्या देखा था? मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। क्या था मीनिंग ऑफ अकाउंट्स? द वे ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वो था आपका मीनिंग। मीनिंग के बाद में अपने सेकेंड देखा था उसमें डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड कम्युनिकेट टू द यूजर। थर्ड टॉपिक अपने देखा था उस चैप्टर के अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। डिफरेंस करने के लिए वो अकाउंट्स की डेफिनेशन को टू पार्ट्स में सेपरेट कर दो और कुछ तीन चार डिफरेंस और। ओके, उसके बाद जो अपने दो टॉपिक और आए थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, दोनों के टॉपिक अपने क्लियर देख लेते हैं। जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा था उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, अब अपन जो फर्स्ट चैप्टर अपन ने किया था, वापस कह रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट और एडवांटेज ऑफ अकाउंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लेना उनको। अकाउंट की डेफिनेशन आपको बाहर लैंग्वेज लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए डेफिनेशन लिखनी है। और डेफिनेशन बहुत ईजी है, 7 टाइप्स याद कर लो और अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लियर। ओके, सेकेंड चैप्टर अकाउंटिंग टर्म्स, ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक ही है अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर। अकाउंट्स के अंदर आगे स्टार्ट करने से पहले, अकाउंटिंग में चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अपन अकाउंट्स में काम में आने वाले टर्म्स, अकाउंट्स में काम में आने वाली टर्मिनोलॉजी, अकाउंट्स में काम आने वाले वर्ड की वर्ड, क्या क्या का वर्ड काम में आते हैं वहां पे, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं उनको, बिजनेस में कौन कौन से वर्ड काम में आएंगे, वो सारे वर्ड का अपन इस चैप्टर में क्लियर अंडरस्टैंड करेंगे। इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है। सबसे पहला टॉपिक जो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है आपका कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। कैपिटल, पूंजी, क्या होता है कैपिटल? एक पहले एग्जांपल लेते हैं। माना कि मिस्टर एक्स ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ मनी की रिक्वायरमेंट होगी? क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? यस, मिस्टर एक्स को बिजनेस स्टार्ट करना था, मनी की बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, तो इसने बिजनेस में कैश डाले कितने? 5 लाख रुपीस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट थी, मनी की रिक्वायरमेंट के लिए मिस्टर एक्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट कितने का किया? 5 लाख रुपीस का। किस फॉर्म में किया? कैश में। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? तीन कीवर्ड्स ध्यान रखना, कैपिटल को समझने के लिए तीन कीवर्ड्स, डेफिनेशन ही है, तीन कीवर्ड्स, ओनर प्लस मनी प्लस इन्वेस्टमेंट। ओनर, मनी प्लस इन्वेस्टमेंट। मनी का मतलब होता है कैश प्लस काइंड, बट जिसका मेजरमेंट मनी में हो सके, वो सारी चीज। ठीक है, ये तीन कीवर्ड्स ध्यान रखना, आप कैपिटल को समझ जाओगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगता है, और वो इन्वेस्टमेंट अगर ओनर के थ्रू किया जाए तो सारा का सारा क्या कहलाएगा? कैपिटल। यहाँ पे देखो, ओनर कौन था? मिस्टर एक्स। बिजनेस को स्टार्ट करना था, कितना इन्वेस्टमेंट किया? कैश के फॉर्म में 5 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख रुपीज क्या बन गई उसकी? कैपिटल। लगाओ कंडीशन, क्या कंडीशन पूरी हो रही है? क्या मिस्टर एक्स ओनर है? यस, ओनर है। क्या मिस्टर एक्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मनी में मेजर कर सकते हैं? यस, कैश को मनी में मेजर किया जा सकता है। थर्ड, क्या इसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है? Yes. तो ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो कैश क्या बन गया? 5 लाख रुपीज क्या बन गया? कैपिटल। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स को बिजनेस स्टार्ट करना था, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो मिस्टर एक्स ने कैश में 5 लाख रुपीज और बिजनेस के अंदर फर्नीचर लगा दिया इसने 50,000 का। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गुड्स खरीद के लिए है, क्योंकि बिना गुड्स के तो बिजनेस कैसे चलेगा, गुड्स खरीद के लिए है 1,50,000 का। तो अब यहाँ पे कैपिटल कितनी हो चुकी है? कैपिटल अब आपकी हो चुकी है कैपिटल 7 लाख। अब कैपिटल कितनी हो चुकी है? 7 लाख। कैसे? कंडीशन लगाओ, मिस्टर एक्स कौन है आपका? ओनर। क्या मिस्टर एक्स ने मनी में, यानी कैश और काइंड कुछ भी हो सकता है, बट क्या मेजरमेंट मनी में हो रहा है? यस। क्या इन्वेस्टमेंट किया है? यस। यहाँ पे देखो, कैश में इन्वेस्टमेंट किया, इसको भी आप मनी में मेजर कर सकते हो। जो फर्नीचर बिजनेस के अंदर 50,000 का लगाया, इसको भी मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है। गुड्स 1,50,000 का मिस्टर एक्स ने परचेज किया मार्केट से, इसको भी मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है। तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या बन गई? ओनर के थ्रू, कैपिटल की डेफिनेशन ओनर के थ्रू बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है,
ऑनर के थ्रू बिजनेस को रन करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, कैपिटल, पूंजी। क्योंकि ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट की, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती होती है, और मनी कौन लगाता है, ऑनर। तो जितनी भी मनी बिजनेस को रन करने के लिए ऑनर लगाएगा बिजनेस के अंदर, वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, कैपिटल। चाहे वो कैश के फॉर्म में लगाओ, असेट्स के फॉर्म में लगाओ, फर्नीचर के फॉर्म में, बिल्डिंग के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लगाओ, कैश लगाओ, काइंड लगाओ, कुछ भी, बट उसका मेजरमेंट मनी में होना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स को बिजनेस स्टार्ट करना था, बिजनेस काफी बड़ा था, तो मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपीज तो कैश में लगा दिए, 50,000 का फर्नीचर खरीद लिया, 1,50,000 का गुड्स खरीद लिया, और सेफ्टी पर्पज के लिए बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करा दिया और बैंक अकाउंट में 50,000 और रख दी। ठीक है, उसने बिजनेस के नाम की बिल्डिंग खरीद ली, बिजनेस के नाम के लिए शॉप चलाने के लिए बिल्डिंग भी खरीद ली। बिल्डिंग कितने खरीद ली उसने, 5,50,000 की, माना की बिल्डिंग और परचेज कर ली, 5,50,000 की बिल्डिंग और परचेज कर ली। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, आंसर दो, कैपिटल कितनी हो गई उसकी, अब यहाँ पे उसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है, कैपिटल हो चुकी उसकी 13 लाख। तो क्लियरली समझ पा रही डेफिनेशन, कैपिटल की डेफिनेशन क्या बनेगी, ओनर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। जो भी ओनर मनी, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो, वो जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, कैपिटल। यहाँ पे उसने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस को रन करने के लिए, कैश लगा दिया, फर्नीचर लगा दिया, गुड्स परचेज कर लिया, बैंक में पैसा डाल दिया, बिल्डिंग खरीद ली बिजनेस को रन करने के लिए। तो जो भी मिस्टर एक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है बिजनेस के अंदर, वो सारा का सारा मिस्टर एक्स की क्या कहलाएगी, कैपिटल। बहुत इजी स्टूडेंट आइडेंटिफाई करना कैपिटल को, तीन कीवर्ड्स, ये डेफिनेशन नहीं है, तीन कीवर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल, थ्री कीवर्ड्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल। थ्री कीवर्ड्स क्या है, फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट करने वाला बिजनेस का ओनर होना चाहिए, बिजनेस का मालिक होना चाहिए। सेकेंड, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। थर्ड, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, ओनर है, जो भी वो बिजनेस में लगा रहा है उसको मनी में मेजर कर सकते हो, बिजनेस में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया ओनर के थ्रू, तो सारा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, कैपिटल। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कैश भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो, लगाना ओनर के थ्रू होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, जिसने पैसा बिजनेस में लगाया वो बिजनेस का क्या होना चाहिए, ओनर। सेकंड, जिस चीज में पैसा लगाया, जिस फॉर्म में पैसा लगाया, उस फॉर्म को आप मनी में मेजर कर सकते हो, जो अभी अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, मॉनेटरी टर्म्स, मनी में मेजर कर सकते हो। और थर्ड, बिजनेस में इन्वेस्ट के तौर पे होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल। ओके, ठीक, ये आपके कैपिटल की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, डेफिनेशन को लर्न कर लेना। थ्योरिटिकल जो चैप्टर आपके दो, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा है, थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स। कैपिटल की डेफिनेशन क्या बन गई, कैश एंड काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस। या तो कैश में हो या काइंड में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ओनर के थ्रू होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, बिजनेस में। तो बिजनेस में ओनर के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो, क्या कहलाएगा, कैपिटल। यहाँ पे ओनर मिस्टर एक्स ने कैश में पैसा लगाया, कैपिटल है। मिस्टर एक्स ने फर्नीचर लगाया, काइंड फर्नीचर काइंड है, बट मेजरमेंट मनी में हो सकता है। थर्ड, मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किया बिजनेस के लिए और बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ये भी उसकी कैपिटल है। मिस्टर एक्स ने बिजनेस को रन करने के लिए बैंक में मनी डिपॉजिट करा दी, ये भी उसका इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है। मिस्टर एक्स ने बिजनेस को रन करने के लिए बिल्डिंग खरीद ली और बिल्डिंग के अंदर बिजनेस उसने स्टार्ट किया, शॉप परचेज कर ली, ये भी उसका इन्वेस्टमेंट है, क्या कहलाएगा, कैपिटल। ओके, तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या बन गई, चाहे कैश के फॉर्म में हो चाहे काइंड के फॉर्म में हो, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किसके थ्रू, ओनर के थ्रू, तो क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल। फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स आपका कैपिटल क्लियर हो चुका है। ओके, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मेरी सुन मिल जाएगा। तो थ्री कीवर्ड्स, ओनर, मनी और इन्वेस्टमेंट, इन तीन कीवर्ड्स को ध्यान रखना, ओनर होना चाहिए, मनी के फॉर्म में होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डेफिनेशन आपकी आ चुकी है, एग्जांपल देके क्लियर कर चुका हूँ। ओके, अब सेकंड, ओके, तो कैपिटल की डेफिनेशन हो गई आपकी, कैश एंड काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, कैपिटल। अब अगला टॉपिक जो आपको सीखना है वो है आपका ड्रॉइंग। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले एग्जाम्पल, वही अपना मिस्टर एक्स
बिजनेस को स्टार्ट किया, मिस्टर एक्स बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, मिस्टर एक्स हो गया आपका ओनर, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैश लगाया उसने बिजनेस में, उसने बिजनेस में फर्नीचर लगाया, उसने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज कर लिया, उसने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज कर लिया, कैश में लगाए अज्यूम इट 5 लाख रुपीज, फर्नीचर खरीद लिया 50,000 का, 1,50,000 का उसने गुड्स खरीद लिया। यहां तक तो स्टूडेंट ये जो कहलाएगा ये आपकी क्या हो चुकी है, कैपिटल। कितने रुपीज की? 7 लाख रुपीज की। ध्यान से समझना, मिस्टर एक्स ओनर था, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, ये आपकी बन चुकी थी कैपिटल, कैश और हैंड। अभी अपन समझ चुके हैं। अब अगला टॉपिक जो अपन को समझना है वो है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब समझना, बिजनेस एक बार मिस्टर एक्स ने स्टार्ट कर दिया, बिजनेस एक बार मिस्टर एक्स ने स्टार्ट कर दिया, बिजनेस रन कर रहा है, डे टू डे एक्टिविटी बिजनेस में ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं। अब मिस्टर एक्स को बिजनेस को रन करने के कंटिन्यूशन के दौरान, बिजनेस के रनिंग के दौरान, मिस्टर एक्स को अपने पर्सनल यूज के लिए, मिस्टर एक्स को अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ मनी की जरूरत पड़ती है, मिस्टर एक्स को अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्या वो गुड्स परचेज करने किसी अदर की शॉप पर जाएगा या अपनी शॉप से लेगा? आंसर सोचना। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स के माना की कपड़े की शॉप थी, क्लॉथ की शॉप थी, मिस्टर एक्स का बिजनेस चल रहा है। अब मिस्टर एक्स को कभी खुद के लिए क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, खुद के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है, क्या मिस्टर एक्स वही कपड़ा खरीदने के लिए, क्लॉथ खरीदने के लिए क्या किसी और की शॉप पे जाएगा? नहीं, वो किसकी शॉप से परचेज करेगा? खुद की शॉप से। क्या सर उसको परचेज करना कहेंगे? नहीं। क्या खुद मिस्टर एक्स अपनी शॉप से गुड्स खरीदेगा और क्या खुद को मनी देगा? लो पैसा। नहीं ना। तो जब भी ओनर को कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कैश में रिक्वायरमेंट हो, गुड्स में रिक्वायरमेंट हो या एनी अदर थिंग्स में रिक्वायरमेंट हो, मिस्टर एक्स वो अपनी रिक्वायरमेंट कहां से पूरी करता है? अपने खुद के बिजनेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स का बिजनेस था, मिस्टर एक्स का बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा है, रनिंग में चल रहा है। मिस्टर एक्स को बिजनेस के कंटिन्यूशन के दौरान 50,000 की कैश में रिक्वायरमेंट हुई। क्या अब मिस्टर एक्स 50,000 रुपीज लेने के लिए क्या किसी थर्ड पार्टी के पास जाएगा या अपने बिजनेस से लेगा? अपने बिजनेस से लेगा। तो जो मिस्टर एक्स 50,000 रुपीज अपने बिजनेस से ले रहा है, वो बिजनेस से लेना क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग। बहुत इजी डेफिनेशन है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना। जब भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जब भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तब तो वो क्या कहलाती है? कैपिटल। और जब भी ओनर बिजनेस से विड्रॉल कर लेता है, पर्सनल यूज वर्ड ध्यान रखना, जब भी ओनर बिजनेस से विड्रॉल कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाती है? उसकी ड्रॉइंग। वर्ड ध्यान रखना, पर्सनल यूज। जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉल कर लेता है तो वो क्या कहलाती है? आपकी ड्रॉइंग। तो डेफिनेशन देखो, कैश या काइंड, या तो कैश के फॉर्म में। अब सोचो यहां पे बिजनेस में लगाया था ये पैसा, तो मिस्टर एक्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या कहलाया? कैपिटल। अब मिस्टर एक्स को पैसों की जरूरत हुई और उसने बिजनेस से कैश ले लिया 50,000 का, ये 50,000 उसका क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग। और ये इन्वेस्टमेंट क्या था उसका? कैपिटल। तो ड्रॉइंग की डेफिनेशन क्या बन चुकी है? कैश या काइंड, विड्रॉल और टेकन फॉर इस, किस पर्पज के लिए? पर्सनल यूज। किसके द्वारा? ओनर के द्वारा। तो क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग। तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, तब तो आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल। और जब बिजनेस से पैसा विड्रॉल करेगा, तो आपकी क्या बन जाएगी? वही चीज, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग की कीवर्ड्स क्या बनेगी आपकी? ओनर, सेकंड विड्रॉ, पर्सनल यूज। अगर ओनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉल किया है तो वो क्या कहलाएगा? आपका ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग के रिगार्डिंग एक चीज ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन में एड कर दूंगा, नीचे लिखा हूं मैं यहां पे, ड्रॉइंग रिड्यूस कैपिटल। ड्रॉइंग कैपिटल को क्या कर देता है? रिड्यूस। कैसे सर? समझ में नहीं आया। यहां पे मिस्टर एक्स ओनर था, मिस्टर एक्स ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, 7 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो उसकी 7 लाख रुपीज क्या बन गई? कैपिटल। अब उसी मिस्टर एक्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए 50,000 बिजनेस से विड्रॉल कर रहा है, तो क्या अब उसकी कैपिटल 7 लाख बची? क्या जो उसने 5 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, उसी 5 लाख में से तो 50,000 विड्रॉल कर रहा है?
तो अब उसकी रिमेनिंग कैपिटल क्या रह चुकी है, अब उसकी रिमेनिंग कैपिटल ड्रॉइंग के बाद क्या रह चुकी है, 6,50,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ड्रॉइंग रिड्यूस कैपिटल, जो ड्रॉइंग होती है वो ड्रॉइंग क्या करती है, आपकी कैपिटल को रिड्यूस करती है। दो टॉपिक हो चुके स्टूडेंट आपके, दो अकाउंटिंग टर्म्स हो चुकी है, कैपिटल और ड्रॉइंग। जब भी ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में करो चाहे काइंड में करो, वो सारा क्या कहलाता है, कैपिटल। और जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से फंड को विड्रॉल करता है, जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से फंड को विड्रॉल करता है, तो विड्रॉल करना क्या कहलाता है, आपकी ड्रॉइंग। ओके, तो ड्रॉइंग की कीवर्ड्स, ओनर विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग रिड्यूस द